आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गैस गीजर को रिपेयर किस तरह किया जाता है। दोस्तों, गैस गीजर का जो कनेक्शन होता है वो पानी से कटअप होता है। अगर हमारे नल में जैसे हम पानी को बंद चालू करते हैं नल को, तो हमारा गीजर बंद चालू होता है, तो हमारे यहाँ पर नल में पानी नहीं आ रहा है जिससे हमारा गीजर चालू नहीं हो रहा है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले गीजर की जो आउटपुट नली है इसको खोल कर देख लेना है कि हमारे जो नल में कचरा है या फिर इसमें गीजर में कोई मिस्टेक है। देख सकते हैं यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, मतलब हमें इनपुट कनेक्शन को देखना होगा यहाँ पर हमारा पानी आ रहा है कि नहीं। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारी पानी आ रहा है, मतलब हमारे गीजर में ही कुछ कचरा है, कुछ मिस्टेक है। तो यहाँ पे एक इस तरह से एक जाली आती है, आपको इस तरह से खोल के इसको साफ कर लेना है। देख सकते हैं हमारे पास जो जाली लगी हुई गीजर में कनेक्शन में, इनपुट कनेक्शन में, उसमें काफ़ी कचरा है। तो हमें यहाँ पे इसको साफ करके इस तरह लगा के वापस कस देना है। दोस्तों, अब देख सकते हैं यहाँ पर जैसे हमने इस नली को कसा और वाल्व चालू करा, हमारा गीजर में पानी आना चालू हो गया है। मतलब जो गीजर का जो इनपुट कनेक्शन में जो नली लगी हुई थी वहीं पर मिस्टेक थी। अब यहाँ पर हम इसको आउटपुट कनेक्शन को भी इस तरह से कस के यहाँ पर नल को चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लाइन क्लियर हो चुकी है दोस्तों।